हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोमिस टेक टिप। और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ओप्पो रेनो 3 प्रो के बारे में। ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू होगा, इसलिए अभी से लेके एंड तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। तो जैसा कि आप इस फोन को देख सकते हो, गोरिल्ला ग्लास 5 यूज किया गया है और काफी स्लीक है इसका मॉडल। आप पीछे देख सकते हो बैक कवर प्लास्टिक का है। इसका वेट 175 ग्राम्स का है, जो कि काफी लाइट वेटेड है। इसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो एक्चुअली एवरेज है। मीडियाटेक का हीलियो P95 यूज किया गया है, जो कि स्नैपड्रैगन 660 जैसा है। अब यहाँ पे ओप्पो इम्प्रूव कर सकता था, पर उसने किया नहीं। मतलब एटलीस्ट हम इतना तो एक्सेप्ट करते हैं ना कि 730 या 75 जैसा वो करे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं इस फोन के साथ। लेकिन इसका जो बैटरी है वो काफी अच्छा है, 4025 mAh का बैटरी है। साथ ही साथ 30 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग है। 20 मिनट रखेंगे तो फिर 50% चार्ज हो जाएगा, और 50 मिनट रखेंगे तो 100% चार्ज हो जाएगा। तो ये फोन ने कुछ तो अच्छा दिया है इस फोन को। लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज बताना चाहूंगी, इस फोन का जो ये मेन एस्पेक्ट नहीं है, मेन चीज है इसका कैमरा। इसका जो आप पीछे का कैमरा देखते हो, ये जो मेन कैमरा है, ये आप देखोगे इसमें 64 MP का दिया गया है कैमरा विद f1.7, जो कि काफी ब्राइट लेंस यूज किया गया है। साथ ही साथ इसका जो लो लाइट का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं सैम्पल्स यहाँ पे ऐड कर ही दूंगी। 13 MP का एक और लेंस दिया गया है फॉर टेलीफोटो। साथ ही साथ 8 MP और 2 MP भी दिया गया है फॉर डेप्थ एंड वाइड व्यू। वो सब दिया गया है, लेकिन उसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि इसका जो फ्रंटल कैमरा है वो भी उतना ही अच्छा है। यहाँ पे 44 MP का एक लेंस दिया गया है और 2 MP का एक लेंस दिया गया है, जो कि बाकी फोन्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। मतलब आपको इसमें एक्स्ट्रा एप्स की कोई जरूरत नहीं है। ये इतना अच्छा है कि आप विदाउट एनी एडिशनल एप भी फोटोज बहुत अच्छा लेते हैं। तो कैमरा का तो मैंने बता दिया, अब मैं क्या सोच रही थी इसके बारे में बताने के लिए। हाँ, इसका प्रोसेसर, जैसा कि मैंने बोला, इसका जो प्रोसेसर है वो एवरेज है और पुराना है। ये लोग चाहते तो इसको और भी इम्प्रूव कर सकते थे। इसमें कलर ओएस 7.1 इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ ये एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड है, लेकिन क्योंकि बाकी फोन्स में अभी और भी ज्यादा अपडेशन आ रहा है, 11 में जंप हो रहा है, तो ये फोन यहाँ पर भी लैग करता है। ओप्पो रेनो 3 के बारे में तो मैंने बहुत बोल दिया, लेकिन मार्केट में और दो फोन्स हैं। एक है सैमसंग का M51 और एक पोको का X3। अब सैमसंग M51 इट इज पावर्ड बाय स्नैपड्रैगन 730, और जो पोको वाला फोन है इट इज पावर्ड बाय स्नैपड्रैगन 732। दोनों
प्रोसेसर के मामले में काफी आगे है रेनो 3 से। साथ ही साथ दोनों की जो कैमरा है 62 MP का है, तो जो कि इस फोन में भी है, तो फिर ये भी इन सब पे कॉमन हो जाता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि है इसका बैटरी। सैमसंग M51 7000 mAh पे है और साथ ही साथ पोको का जो फोन है 6000 mAh पे है, तो फिर आप जान सकते हो कि इसकी बैटरी अच्छी है, लेकिन उन लोग की बैटरी और भी ज्यादा अच्छी है। साथ ही साथ अब प्राइस रेंज की मैं बात करते हैं। सैमसंग M51 जो है 25K पे आने वाला है और पोको अभी 19K पे है, जो कि और भी कम हो सकता है आने वाले टाइम्स में, तो आपको एक बेटर डील मिल सकता है। अब देखा जाए प्राइस टू परफॉर्मेंस का अगर रेशियो हम लोग करें कैलकुलेट, तो फिर मेरे ख्याल से ओप्पो चांस ही नहीं बनता है। ये फोन अच्छा तो है, लेकिन इसके दो ही एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जो कि है इसका कैमरा और इसका वेट। बाकी ये फोन प्रोसेसर के मैं जो जो इसका वाला जो डिपार्टमेंट है काफी एवरेज है और पुराना है इसका प्रोसेसर, तो ऐसा होना चाहिए था कि जो ओप्पो को इसके प्रोसेसर पे वर्क करना चाहिए था, जिसकी वजह से ये इसका मेन ड्रॉबैक हो गया है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इन माय फ्रैंक ओपिनियन, आज के माहौल में अंडर 25,000 बेस्ट फोन तो पोको X3 है, और अगर आप सेकंड बेस्ट बोलोगे तो फिर सैमसंग M51 ही है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एटलीस्ट 100 लाइक्स तो मुझे मिलने चाहिए इस वीडियो पे।